एक आदमी जो आपको ये कहता है कि लखनपुर से पुल दूंगा और पूंछ तक जाएगा, आपको इस आदमी का साथ देना है? आया भी तो उसने करना क्या था, अनपढ़ दिलीप परियार था। अब मैं क्या खुलेआम कह रहा हूँ अभी, क्योंकि लॉ मेकर होना चाहिए क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ठीक है, वो हम सब समझते हैं। एक आदमी जो आपको ये कहता है कि लखनपुर से पुल दूंगा और पूंछ तक जाएगा, आपको इस आदमी का साथ देना है? देखिए, ये भाई साहब यहां पर आए, पीएमएवाई की स्कीम के तहत जो पैसा मिलता है गांव गांव में जाके घर बनाने के लिए, जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं आज अपनी कुकिंग, खाना बनाना, घर के अंदर इतनी जगह नहीं है कि ये घर के अंदर खाना बना सके, सो इसकी यहीं से पता लग सकता है कि क्या डेवलपमेंट है और क्या है। जबकि इन्होंने ये स्कीम किसके लिए बनाई थी, ये स्कीम बनाई थी कि हर एक गरीब हमारे पूरे हिंदुस्तान में बगैर छत के ना रह सके, सबको दिया गया था। लेकिन मैं भारत में ही खड़ा हूं, मैं भद्रवाह में खड़ा हूं, मैं विलेज जगोता में खड़ा हूं, जो भारत का ही एक अंग है, बाहर तो नहीं है। स्कीम कोई पाकिस्तान की नहीं थी, ये स्कीम हिंदुस्तान की थी। तो अगर कोई स्कीम बनाई थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो क्यों? क्यों ये मेरा भाई आज खाना घर के बाहर बना रहा है? आज मैं यहाँ विलेज जगोता में मैंने विजिट किया, जो थलेला से ऊपर पड़ता है गांव, तो यहाँ पे आती वक्त जब मैं थलेला टू वाया थलेला टू जगोता आया, तो बड़ी एक मेरे पास आज वर्ड नहीं है बोलने के लिए, शब्द बड़े मेरे काम पड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि आप देखिए कि रोड्स की जो हालत इतनी खराब, कोई प्रोटेक्शन वहां पर वॉल नहीं, इजली मतलब मैं बोलूंगा एक एक्सीडेंटल जोन है, अगर बरसात आएगी सड़क कब नीचे चली जाएगी कुछ पता नहीं। तो मैं पीएमजीएसवाई को कि कहां पर आप सोए हैं, इस पे आज तक क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? दूसरी बात, जब मैं विलेज जगोता में आया, इनके काफी सारे ग्रीवियंसेस थे। एक ग्रीवियंस पानी की समस्या। आज यहां पर जो ये रिजर्वायर यहां पर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी आप सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, दो पंचायत को ये दी गई है कैपेसिटी, 5,000 गैलन एक रिजर्वायर, और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन दो विलेज पंचायत में, एक आपके विलेज जगोता, दूसरी विलेज थलेला। आप मुझे बताइए, आपकी जो एक पंचायत जगोता और पंचायत आपकी थलेला, आप मुझे बताइए, मैं पीएचई डिपार्टमेंट से पूछता हूं कि सर पानी तो एक बेसिक नेसेसिटी होती है, आपकी कैलकुलेशन किस हिसाब की है? इतने बड़े बड़े यहां पर मुझे लगता है यहां पर सारे आपके एक्सियन यहां पर हैं, सारे यहीं पर हैं, मतलब कंसर्न्ड ऑफिसर्स आपके यहां पर हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन, वाटर सप्लाई की कैलकुलेशन शायद बड़ी ही मुझे लगता है आउट ऑफ माइंड है। दो पंचायत को आपने 5,000 गैलन, दैट्स इट, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वही हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जीरो। अब आपको याद आएगा, जैसे कि इनके वर्जन सुने मैंने, सबसे मैंने बात की, यहाँ सीनियर सिटीजन भी हैं हमारे, और भी हमारे यहाँ नौजवान और भी हैं, इनके इन्होंने बोला वो एक ही टाइम था 2014, उसके बाद कभी नहीं इनको देखा यहाँ पर, इनको बिल्कुल एक किस्म का बायकॉट किया हुआ है। ये एक ऐसी जगह पे मैं आज आया हूँ विलेज जगोता में, जब इनको स्पेशली याद कब किया जाता है, जब इलेक्शन टाइम आता है। अभी मुझे भाई साहब ने बताया 1982 में लकड़ी के पोल्स, ट्रांसफार्म 5 केवी का, 25 केवी का, और जब वो डैमेज हो जाता है उसी को रिपेयर करा के फिर यहां भेज दिया जाता है, लकड़ी के पोल्स, कहा जाता है सौभाग्य स्कीम, 1500 करोड़ का बजट, 100 करोड़ रुपया उसमें और इनाम ले लिया। ये बोला कि घर घर जाके बिजली पहुंचाएंगे, ये क्या है?
यहां पर क्या इंसान नहीं रहते? यहां पर कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। आने वाला है टाइम सर, आपको ये लोग यहां से बताएंगे। लेकिन मुझे, मैं बार बार अब कहता आया हूं कि मैं आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा सल्यूट करता हूं कि 2014 में एक विजिट की थी, आप 2024 आ गया, लेकिन तब भी जो बेसिक फैसिलिटी है उनसे इन लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है। तो सर इसका जवाब आएगा, पक्का आएगा। मैं आप लोगों को, भद्रवाह की आवाम को, इस मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, इस बार अपना नेता वो चुनिए जो लोगों के पास घर घर पहुंचे, घर घर उनकी बातों को सुने, और उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए उन चीजों को सॉल्व करने की, ग्राउंड रियलिटी में मून एंड स्टार्स बात करने की नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी में उनकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल जमीनी तौर पे करेगा, आपका नेता वो होगा। देखें, आज हमें बड़ी खुशी हुई कि जैसे विक्रम राठौर जी वकील हाई कोर्ट जम्मू से यहाँ आए, हमें खुशी है कि भाई चलो ऐसे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, खासकर पॉलिटिक्स में और डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमने पिछले जो हमारा तजर्बा रहा, तो हम आप किसी की ये तुहीन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि भाई आदमी काम करने के काबिल नहीं है, डेवलपमेंट का काम जो है वो काम करने के काबिल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई एक एमएलए जो डीसी के पास जाए, किसी अफसर के पास जाए, तो वहां से जो एप्लीकेशन है या कोई चीज जो भी है, तो उसको खुद मालूम होना चाहिए कि भाई इस पे क्या लिखा है, अच्छा है बुरा है। कहने का यह मतलब है कि भाई अभी तक जो है, जो हमारे साथ हुआ है, अब जो रोड आ गई तो बहाने ये बनाते हैं कि हमने आपको रोड दे दी, हमने आपको पानी दे दिया, लेकिन उसमें कमियां क्या हैं वो तो जैसे राठौर साहब ने आपको बता ही दिया कि क्या क्या कमियां हैं, सड़क में क्या कमी है, पानी का जो मसला है वो कैसे, उसमें क्या कमी है, जो बिजली का मसला है वो तकरीबन 20 साल से चल रहा है, लेकिन क्या क्या उसका हल कोई नहीं है, डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है। जब भी वहां उनके पास जाओ तो उनका यही कहना है कि जब पैसा आएगा तो हम आपका काम कर लेंगे। जैसे इन्होंने अब ये, तो पैसा क्या है कि भाई अब इतने साल हो गए पैसा उस डिपार्टमेंट के पास आया ही नहीं है। यही है हमारे, अब ये ऐसे मसले जो हैं वो शहर में होते हैं, रात में काम होता है, रात को ट्रांसफार्म लगते हैं, लेकिन हमारे तकरीबन 20 साल हो गए, हमें रिक्वेस्ट करते करते, हमें एप्लीकेशन देते देते, लेकिन अभी तक हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। सर आज ये विक्रम राठौर सर हमारे गांव में आए हुए थे, विलेज जगोता में, तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिक एमिनिटीज जो हैं, जैसे कि पहले की वाटर की प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत ज्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की भी इश्यूज थे, तो इसलिए सर यहाँ पे विजिट करने आए थे। बट सर से पहले मतलब कि यहाँ पे मेरी भी एज कितनी, 27 हो गई है, तो इस इतने से एज में लाइक मेरे को अभी तक याद नहीं है कि यहाँ पे कोई आया हो, तो ये सर वगैरह फर्स्ट टाइम है। हाँ, मतलब कि इलेक्शंस के टाइम पे यहाँ पे आते हैं लोग, बट उसके बाद कोई इतना खास हीट वगैरह हम लोगों को देते नहीं है, तो वोट वगैरह हो गए तो उसके बाद चलते बने, बट आज सर वगैरह आए हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक वगैरह इशूज़ वगैरह हैं, और मतलब कि पानी की प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पे पहले से ही है, तो उसका देख रहे हैं सर, कह रहे हैं कि इसका हो जाएगा कुछ अगर ये कर सकते हैं तो उसके बाद ये पोल्स वगैरह जो हैं वुडन के, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफ़ी हाइट पे है हमारा ना, 4,500 फीट अब वो इसी लेवल पे है, तो यहाँ पे तगड़ी बर्फबारी वगैरह होती है, तो आजकल इतनी नहीं हो रही, बट तीसरे साल अच्छी बर्फ वगैरह होती है। तो ये जो है ये मतलब कि ये तो देखो जो ये वायर्स वगैरह है ना, ये चेंज हुए, पोल भी लकड़ी के एकदम से सड़ गए, नीचे से जो उनका जहाँ पे नीचे डंप होता है वो पोल मिट्टी के अंदर, वहां से तो बिल्कुल वो रोटन है एकदम से, तो हम लोगों ने स्पोर्टे लगा लगा के उनको रखा हुआ है। तो बर्फबारी वगैरह में जो हमारे यहाँ पे लेडीज वगैरह हैं, छोटे बच्चे वगैरह हैं बाहर हैं, अगर कोई मिसाप वगैरह हो जाए तो उस टाइम पे मतलब कि कौन है उस चीज़ का जुम्मेवार, तो ये काफ़ी इशूज वगैरह है। फिर रोड वगैरह का भी इशू वगैरह है, तो बस यही है, बट देखते हैं सर वगैरह, सर ने हमें दिया हुआ आश्वासन, बोलते हैं हो जाएगा।